राशिद, आप यहां बैठे में खाना ठंडा हो रहा है, चल के खाना खा लेना। तबीयत नहीं चाह रही खाने का। मैं जानती हूं आप उमेर की वजह से परेशान हैं। दिल दिल घबरा रहा है बस, अल्लाह पाक खैर करे। पर अचानक इतनी बड़ी कयामत टूट पड़ी है। सब कितना खुश थे, शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन बैठे बिठाए उमेर का एक्सीडेंट हो गया। अल्लाह का शुक्र है कि उमेर खैरियत से। पता नहीं अब आगे क्या होगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने तुम्हें अपनी हिफाजत में रखा, और हमने आते हुए तुम्हारे नाम का बकरा भी सदका कर दिया है। इंशाल्लाह देखना, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। हाँ उमेर बेटा, तुम्हारी वजह से बहुत परेशान थे हम सब। यकीन जानो सारी रात सो भी नहीं सके। अरे तुम्हारे अंकल ने तो कल रात से कुछ खाया पिया भी नहीं, कहने लगे कि जब तक मैं उमेर को सही हालत में नहीं देख लूंगा, मेरे हलक से निवाला नहीं उतरेगा। चलो शुक्र है कि तुम खैरियत से हो। देखो बेटा, सेहत और जिंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। अल्लाह का बड़ा करम है कि कोई नुकसान नहीं। तो जो इतनी तकल्लुफ आप लोगों ने किया है, तो आपके घर तक महदूद क्यों थी? घर में सारी टेंशन है आपने ले ली, मेन टेंशन तो हमें थी। पूरी रात जागे हम लोग इसके साथ बैठे हैं हॉस्पिटल के अंदर। खुद तो आप लोग हॉस्पिटल आए, मुश्किल से 5 मिनट रुके और चले गए। लेकिन अंबर, कल तुमने खुद तो मुझे। चाची, आप इसके सर पे खड़े होकर भी बहस नहीं करें। इसको डॉक्टर ने टेंशन लेने का मना किया। आप बाहर चले ना मेरे साथ, चले, मेरे ससुराल वाले भी आए हैं। मुमताज, अम्मा ठीक कह रही है, हम बाहर चल के बैठते हैं। इसको, उमेर को आराम की जरूरत है। उमेर तुम अपना ख्याल रखना बेटा, हमें तुम्हारी बहुत फिक्र है। जी। उर्वा, तुम भी चलो ना, क्यों खड़ी हो, सोने दो अब इसको। जी चलो। तुम आराम करो, मैं भी जाती हूँ उनके पास।